नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 2 अक्टूबर दिन रविवार को श्रादीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। नौ दुर्गा के नौ रूपों को 9 दिन तक पूजा जाता है। माना जाता है कि इन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करती हैं, साथ ही भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण भी करती है। माना जाता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना कर लेता है, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में यदि नवरात्रि के समापन से पूर्व सप्तमी तिथि पर अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। क्या करना है आपको? आपको माँ दुर्गा के लिए गुड़हल के फूलों की माला बनानी है। जी हाँ, 7 आपको फूल लेने हैं गुड़हल के, और साथ ही आपको लौंग लेनी है। जी हाँ, लौंग। ऐसा माना जाता है कि लौंग के प्रयोग से हमारे घर में जो भी बुरी शक्तियाँ होती है या पूरा दोष होता है, वह समाप्त होता है। ऐसे में आपको 7 गुड़हल के फूल और 7 लौंग लेना है। एक लाल धागे में या लाल मौली में आप एक फूल लगाएं और उसके बाद एक लौंग लगाकर गांठ बांधे, फिर एक फूल लगाएं, फिर एक लौंग लगाएं। ऐसे करके 7 लौंग और 7 फूलों की आप माला बनाएं और इस माला को अपने पूजन के दौरान आप माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी और माँ दुर्गा आपसे अति प्रसन्न होगी, क्योंकि लाल कलर के फूल माँ दुर्गा को अति प्रिय होते हैं, जिसमें गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को अति प्रिय है। माँ दुर्गा इससे अति प्रसन्न होती हैं। आप भी इस उपाय को करिएगा, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर।